खिलाड़ी इनको सम्मानित करने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। और जो मेरे पास में जो ये मोटरसाइकिल देखे हुए चमचमाती, ये भाई श्यामलाल को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मिले, एक बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया। लड़कों ने क्षेत्र के विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र ने बहुत पहले से मतलब इस टीम के बहुत खुशी रखी हुआ था इसमें इन्होंने। तो मैं रमेश कुमार सिंह दोस्तों, आपका फिर से हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है उदयपुरवाटी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में और एक ऐसे इंसान से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, परिस्थितियों को मात देके। अभी हाल ही में जो गुड्डा गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे, वो इन्हीं जो खिलाड़ी इनको सम्मानित करने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। और जो मेरे पास में जो ये मोटरसाइकिल देखे हुए चमचमाती, ये भाई श्यामलाल को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मिले। तो आप पास बात करांगा कि ये कणा क्रिकेट खेल वाला गया और कतो काम हुनर है, तो थे बना रही जो वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार जी। नमस्ते श्यामलाल जी। सबसे पहला था इनका शौक लागे था, एक बढ़िया सी चमचमाती गाड़ी गिफ्ट हुई जाए, हरी मेहनत के बदौलत मिली जाए, तो क्या बचा हुआ था? मन बहुत खुशी है, जो मैंने इतना बड़ा टूर्नामेंट में एक बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया और लड़कों ने काफी अच्छी मेहनत की, उसी की बदौलत हमने टूर्नामेंट भी जीता। और तो जी श्यामलाल जी, आप बात करा तो जी टूर्नामेंट शुरू हुए तो थाने आज सीखे कि आप मोटरसाइकिल मेरी होगी, ये मुझे पूरी पूरी आज थी। और जब हम जो वोटिंग हुई थी उसमें सबसे पहले था। और जी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष उदयपुरवाटी का रामकरण जी सेमिया पाने भी पूछा ना, एक टीम का जो मैनेजमेंट में आपको भी हिस्सेदारी है, तो आने भी पूछा कहेंगे अनकशोक लागे। राम राम जी। राम राम भाई। मैं देखो बताऊं, एक तो मैं सबसे पहले धन्यवाद उनको दूंगा, हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र जो शिवम हुड्डा, जिन्होंने उदयपुरवाटी में शानदार इतना बड़ा आयोजन करवाया। लगभग 3 महीने ये टूर्नामेंट चला और लगभग श्यामलाल की ट्रिपल स्टार टीम ने 11 मैच खेले इसमें और सभी मैच जीते। और मैं श्यामलाल के बारे में आपको क्या बताऊँ, हम इस यहाँ उदयपुरवाटी में जब भी मैं कमेंट्री करता हूँ तो मैं एक ही नाम से पुकारता हूँ उनको, क्रिकेट के भगवान अब मैदान पे आ गए। और रियल में ये चीज़ें हर बार साबित करते हैं, बहुत शानदार खेलते हैं, जबरदस्त। हम बात करें जो हर खिलाड़ी के जीवन में समस्या आई थी और आज एक अतो बड़ो नाम करे राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी बेथाना जो थारी मोटरसाइकिल की चाबी दे रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, उनका शो महसूस हो जाए? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये हर आदमी का सपना होता है कि उनके स्टेट का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, उनके हाथ से सम्मानित हो। और ये हमारा, मेरा और मेरी टीम का सौभाग्य है जो हमारी टीम को ये मौका मिला गहलोत जी से मिलने का। मैं फिर से ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कोई अच्छा टूर्नामेंट हो मैं खेलूँ, वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब आए फिर से हमारे को सम्मानित करें, बहुत खुशी होती है ऐसे मामलों में। तो जी आप बात करा तो थारा जीवन में भी जो हर खिलाड़ी की समस्या आएगी वे थाके भी आएगी? बिल्कुल, मैं नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मेरे पापा जो मजदूरी करते हैं और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मेरे जो भाई हैं वो भी मजदूरी करते हैं, नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो जी आप बात करा तो क्रिकेट सबसे पहला क्या खेल वो शुरू किया था, कितने साल पहला करा? शुरू से मैंने बचपन में स्टार्ट किया था, जो पहले जो लकड़ी का बैट आता था उससे खेलना स्टार्ट किया था। फिर धीरे 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 इस तरह बढ़ता गया, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ सब मेरे पास उपलब्ध होती गई और मैं धीरे 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 आगे बढ़ता गया। तो जी श्यामलाल जी, आप बात करा थे अच्छा प्लेयर जो, तो अकेडमी ज्वाइन घूम के जाएगा आज तक? ट्राई की थी करने की, लेकिन उस टाइम पर परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी और उस टाइम पर भी जो एक प्लेयर की एज होनी चाहिए क्रिकेट के लिए, वो एज उसी टाइम अब समय के साथ वो निकल गई। आके जो टीम का साथी जी आप ने भी पूछा, वे भी जी विजेता रिया, तो उन्होंने 1,10,000 रुपये को इनाम मुख्यमंत्री जी और एक बहुत ही बढ़िया ट्रॉफी का दी जी, कुछ साथी खिलाड़ी जी आप से बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। का शोक लाल था जी मुख्यमंत्री जी से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हमारे गाँव का ये मतलब बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसके अंदर ये उदयपुरवाटी टीम को श्यामलाल कटारिया ने बहुत पहले से मतलब इस टीम के वो आगे लेने का काम दिया है। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं श्यामलाल कटारिया के कप्तानी के अंदर हमने, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि श्यामलाल कटारिया की बदौलत हम मुख्यमंत्री जी से सम्मान ले पाए। तो आप अजय बात करा तो आपकी मम्मी जी भी आपने साथ अफबान ने भी पूछा कि शुरू शुरू में आने का 16 लाख तो घर का आज तो आके 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आके घर आई थे, बहुत ही खुशी को एक माहौल हो लो ये परिवार के लिए सुनवामा की जब ये जीत्या बैठे तो ये डीजे अड़े घर बजाया जाए, डीजे में खूब घर का भी नाचा जी, अड़ोसी पड़ोसी भी नाचा जी। तो अफबान ने भी पूछा चाची जी। राम राम भाई जी। हाँ श्यामलाल जी ने एक मोटरसाइकिल गिफ्ट मिली जाए की बदौलत, तो शौक लाग रहे बढ़िया लगे, खेल से ही खेल तो श्यामलाल।
तो थे यहाँ डांट तक उन्हें की बाप ने सारा दिन खेला जाए नहीं मुझे कौन आया गे तो जिया थान जिया ही पता लगे भाई बे जीतगार बाने मोटरसाइकिल थान कितनी खुशी हुई और ट्रॉफी लिया था जना बहुत खुशी रखी मारे आया गे तो यहाँ थारी इच्छा कौन सी की श्यामलाल भी है टीवी में रहे वह खेल रहे हैं इच्छा ही मारे फिर कहीं हो खेलता खेल बस समझा तो इच्छा ही अच्छा हाँ प्रदेश सचिव दिनेश जी तो आपने भी पूछा कि ये श्यामलाल जी के बारे में कहीं सोचेंगे राम राम जी ये श्यामलाल कटारिया बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं ये जो यूपीएल हुआ था इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की साथ में मैं ये टूर्नामेंट जीतने पे सारी टीम को बधाइयाँ देना चाहूँगा टीम के साथ साथ जो बाहरी लोग थे जिन्होंने टीम का पूरा सहयोग किया मैनेजमेंट कमेटी को भी मैं पूरा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ